Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. From the platform of EnglishBuffet.5, I welcome you all here. And today this lesson is going to be an addition to the previous one. That is hyphen and its usage. Viewers, you know that sometimes we get confused कि कुछ words का combination ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आती कि हमने इसके दरमियान hyphen use करना है कि नहीं करना, the way you can see. So how to tackle this situation? Let me make it clear to you. ये इस वजह से होता है viewers कि कुछ compound words का combination लिखते हुए different होता है. Like sometimes हम कुछ compound words को इस अंदाज से लिखते हैं कि उनके दरमियान बिल्कुल ही स्पेस नहीं छोड़ते और इनको एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना होता है. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कंपाउंड के उनके दरमियान हाइफ़न लगाना ज़रूरी होता है, राइट. जबकि एक और मेथड ये है कि इसमें हम स्पेस देते हैं, ना तो हाइफ़न यूज़ करते हैं और ना ही जोड़ के लिखते हैं. ऑलराइट, यही वजह है कि हम अक्सर हाइफ़न यूज़ करते हुए हेजिटेंट होते हैं कि वेदर टू यूज़ इट और नॉट. सो व्यूअर्स, इसमें आपकी थोड़ी सी हेल्प मैं करना चाहूँगी. आपने ये बात जहन में रखनी है कि हाइफ़न ज़्यादातर तब इस्तेमाल होता है कंपाउंड वर्ड्स के अंदर जब वो एज एन एडजेक्टिव एक्ट कर रहे होते हैं. ऑलराइट, मतलब टू और टू, मोर देन टू वर्ड्स आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ हाइफ़न एंड दे एक्ट लाइक वॉट एन एडजेक्टिव. मतलब दो से ज़्यादा वर्ड्स मिल के एक कंपाउंड वर्ड बनाएँ और उससे मुराद हमारा कोई एडजेक्टिव हो, मतलब कोई क्वालिटी वगैरह एक्सप्रेस की जा रही हो. याद रखें, ओके. अनदर वन इज जब हम इनको इकट्ठा जॉइन करके विदाउट लीविंग एनी स्पेस लिखते हैं तो ज़्यादातर इससे मुराद हमारा नाउन होता है. लाइक दे पुट ऑन मेकअप और आई हैव टू टेक अ मेकअप एग्जाम. आई होप कि सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद आपको ये कन्फ्यूजन आपका जाता रहेगा. एंड द फाइनल वन इज़ लाइक गिविंग ओपन स्पेस इन बिटवीन द टू वर्ड्स, द कंपाउंड वर्ड्स. अब अगर देखा जाए तो बॉटम की जो एग्जाम्पल है, लाइक आई हैव टू मेक अप दैट एग्जाम एट माई हाई स्कूल, इट्स अ फ्रेजल वर्ब. ऑल राइट, और याद रखें कि कंपाउंड वर्ड्स जब मिलके कोई एक फ्रेजल वर्ब बनाते हैं तो ना तो उनके दरमियान स्पेस ख़त्म करनी है आपने और ना ही हाइफन यूज़ करना है. ऑल राइट, सिर्फ ये तीन आपने स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं एंड आई होप कि यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी मिस्टेक इन द नियर फ्यूचर. ऑल राइट, सो व्यूअर्स, एक और बात जहन में रखें कि मेकअप एग्ज़ाम, इससे मुराद है इट इज़ द क्वालिटी ऑफ दैट एग्ज़ाम. ऑल राइट, इट इज़ यूज एज एन एडजेक्टिव. सो मोस्टली द कंपाउंड वर्ड्स विच आर यूजिंग हाइफन इन बिटवीन देम, दे आर यूज एज एन adjective and you can see multiple examples in front of you like hard working, high tech, long term, low budget and etc. All right, so with hyphen they act like adjectives. Kuch aise bhi hote hain compound words jo ke noun ki tarah act karte hain. Adjective ki example already main aapko de chuki hu aur yahan pe start mein aap dekh sakte hain merry go round, mother in law, ye as a noun use hue hain. जबकि इनके नीचे आप जो देख सकते हैं दे आर यूज एज एन एडजेक्टिव लाइक लॉन्ग टर्म, हाई स्पीड, लेफ्ट हैंडेड एट्सेट्रा. सो द कंपाउंड वर्ड्स कैन बी हैविंग सम हाइफन इन बिटवीन देम, इट डिपेंड्स ऑन देयर स्ट्रक्चर. दे कैन बी यूज एज अ नाउन और एज एन एडजेक्टिव मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट. इसके बाद व्यूअर्स, एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है, हाइफनेट ऑल सेल्फ कंपाउंड्स. ओके, ऐसे वर्ड्स जो कि सेल्फ से कंबाइन होके बन रहे हैं लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ बेस्ड, इनके दरमियान हमेशा आपने हाइफन यूज़ करना है. वाई? बिकॉज दे आर कलेक्टिवली मेकिंग वन एडजेक्टिव. ऑल राइट, इसी तरह से दिस वर्ड शुड नॉट बी रिटन बाय लीविंग लिटिल बिट स्पेस इन देम, दिस इज़ अ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. All right, far sighted, this is a quality. And one more last usage for today's lesson is that use hyphen if you are splitting up a word on half of the line and taking the other on the rest. This is also one of the usages of hyphen. That's all for today. Keep on practicing because practice will be
making you better user of whatever you will be learning. Practice is the condition. So viewers, keep on learning, smiling and sharing these lessons with others, because sharing will also be enhancing the knowledge of your own, right? So take care of yourself. See you soon. Allah Hafiz.